Hey sunshine, welcome to my happy place. I'm your host Nandita. I hope you guys are safe, healthy and are at home. So last week you guys must have noticed कि मैंने कोई भी video upload नहीं की थी. This is because I got vaccinated and उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी. But now I'm perfectly fine and healthy. Also before I get into the video, I want to tell you guys something that I will be uploading videos फिलहाल Tuesdays को ही because I am working on something really special and उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा time चाहिए. So I thought that I will be uploading videos अभी के लिए only on Tuesdays. So now let's get into the video. As you guys have read the title, आज मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल टाइप करूँगी. उसमें आई विल बी टेलिंग यू गाइज हाउ यू कैन डू अ कलरफुल आईलाइनर विदाउट हैविंग अ कलरफुल आईलाइनर, इफ दिस मेक्स एनी सेंस. विच मीन्स कि आजकल कलरफुल आईलाइनर्स आते हैं लाइक पिंक, रेड, ऑरेंज, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब वो ले लें, राइट? एंड ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आई शेडो से आईलाइनर लुक एक प्रॉपर क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि उसका जो मटीरियल प्रोडक्ट होता है वो पाउडरी होता है. सो वॉट टू डू, राइट? सो आई एम गोना टेल यू गाइज कि हम क्या थोड़ा जुगाड़ कर सकते हैं. ये मैंने अपने एक क्रिएटिव लुक जो मैंने क्रिएट किया था, मैं यहाँ पिक्चर शो कर दूँगी, उसमें मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी. एंड उसके बाद मैंने कोई क्रिएटिव लुक नहीं किया, क्योंकि उसमें जो मुझे यूज़ करना होता है ना मीडियम, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है. बट आईलाइनर के लिए हमें इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो या आई एम गोना टेल यू गाइज कि हाउ यू कैन अचीव दिस लुक. ऑल्सो आई हैव नेवर ट्राइड इट एज अ आईलाइनर, सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी. तो आई एम नॉट श्योर कि कैसा निकलेगा ये एंड रिजल्ट, बट आई होप इट गोज वेल. आई होप कि ये लाइक सक्सेसफुल हो जाए. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिप बाम और मॉइस्चराइजर लगाया है. सो वी विल स्टार्ट विद डूइंग आर आई लुक. द रीज़न वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग इट विद बेस, क्योंकि आई लुक जब करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फेस पे लग जाता है एंड देन अगेन वी हैव टू करेक्ट इट. सो इट्स बेटर वी डू द आई लुक फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द बेस. सो लेट्स स्टार्ट विद आर आई लुक. तो पहले मैं अपने आई शैड आईलिड्स को कंसील करूँगी, उस पर फाउंडेशन लगाऊंगी ताकि एक प्रॉपर बेस डेवलप हो जाए. फर्स्ट आई विल मिक्स दिस प्राइमर स्विस ब्यूटी का. तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हाथ पे लूँगी अभी. इसके बाद आई विल बी यूजिंग दिस फाउंडेशन, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. ये भी मैं इसके साथ मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अपने यहाँ आईलिड्स पे लगाऊंगी. लेट मी जस्ट टेक माय मिरर. मेक श्योर कि इनर कॉर्नर्स आर ऑल्सो कवर्ड प्रॉपरली. फॉर इनर कॉर्नर्स यू कैन यूज दिस पार्ट ब्लेंडर का, जो नुकीला पार्ट है, बिकॉज इट्स स्मॉल और इट्स कॉनिकल, तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाएगा आपके कॉर्नर्स पे. You guys have to be patient blending के time because it takes time. और जितना देर आप blend करोगे उतने अच्छे से आपके आपका base set होगा. I think it's enough. अब इसके बाद I will conceal my under eye and my eyelids. So I'm using Maybelline concealer, Maybelline Fit Me concealer. I will apply this under eye and eye pair.
okay. So my eyes are done. Can you see the difference जहाँ पे मेरा base नहीं बना है और इस part पे eye पे base बना है, तो इतना difference आ जाता है when you use foundation, primer and concealer. Now the next step that I will do is I will apply eyeliner. जो आपके पास normal eyeliner हो you can use that. I use Lakme Insta eyeliner. It's the best eyeliner and I would recommend everybody. जो मेकअप लगाता है, जो मेकअप ओकेजनल लगाता है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल आई लाइनर. सो या यू शुड गेट दिस. यू कैन अप्लाई आई लाइनर किसी भी टाइप का, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर लाइकिंग, जैसा आपको अच्छा लगता है. आई एम लाइक डूइंग मेकअप सिंस लाइक वॉट 3 to 4 months नाउ एंड अभी भी मेरा राइट साइड की आई और लेफ्ट साइड का आई का आईलाइनर अभी भी मैच नहीं करता. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके सो मेरा ये आई हो गया. मैंने ट्राई किया थोड़ा मोटा लगाऊं, क्योंकि जब मैं इस पर दूसरे कलर का लाइनर लगाऊंगी तो इट शुड लाइक प्रॉपरली दिखना चाहिए, राइट. सो मैंने इसको थोड़ा मोटा लगाया है. आई रियली होप कि मेरे दूसरी साइड का लाइनर भी मैच कर. सो या आई एम डन. इस साइड का थोड़ा लंबा हो गया एंड इस साइड का थोड़ा छोटा है. सो लेट मी सी इफ आई कैन करेक्ट इट थोड़ा सा. या आई थिंक इट लुक्स फाइन. So I'm done with my eyeliner. So let it dry थोड़ी देर. Make sure ये properly dry हो जाए, वरना बाद में like you know smudge हो सकता है. So wait for 5 minutes and then we'll move on to our next step. So मेरा eyeliner properly dry हो चुका है and now comes the main part, that is how to apply colorful eyeliner. So for this take a primer. I'm using the same Swiss Beauty का primer. You can also use concealer if you have. So concealer या primer में से कुछ भी ले लो. इस पे आप अपने हाथ पे इतना सा ले लो. And now comes the main part, that is choose the color which you want to use. I am using pink color. This one color. It's again so difficult color board पे show करना मैं कौन सा color use कर रही हूँ. I'm using this pink color. And इसको ना एक brush से, if you don't have any brush, makeup brush, क्योंकि I know सबके पास नहीं होगा, take a paint brush like पतला वाला ऐसा. And अच्छे से अपना जो पिंक कलर है ना उसको अच्छे से ले लो ब्रश में. मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा इसमें बट ठीक है. और इसको ना इस पर ऐसे मिक्स करने की कोशिश करो. इससे ना यू विल सी कि जो आपका पाउडरी मिक्सचर है वो एक ऐसे क्रीमिश टेक्सचर में चेंज हो जा रहा है, जिसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी, राइट. और हमें ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी चाहिए भी नहीं. अगर चाहिए होती तो हम पानी से काम चला लेते, बट हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसी कुछ. लेट मी जस्ट शो यू. ओके कैन यू सी दिस. वी आर गेटिंग
अ थिक कंसिस्टेंसी, और ये नहीं कि आप पूरे में मिला दो, थोड़े थोड़ा पार्ट लो और उसमें मिलाओ। सो ऐसे आपका एक आईलाइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। और मेक श्योर कि आप जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, तो यू डोंट वॉन्ट योर प्रोडक्ट टू गेट वेस्टेड। सो या आई रियली होप इट वर्क्स। ये थोड़ा लाइट पिंक में आया है, लाइक मैंने डार्क पिंक यूज़ किया बट आया लाइट पिंक है। एंड नाउ क्विकली अप्लाई इट अपने आई लाइनर पर, जो आपने आई लाइनर लगाए उसके ऊपर ही लगा दो उसको। नीड टू अप्लाई टू कोट्स, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा लाइक डार्क कलर चाहिए कि लाइट कलर से काम चल जा रहा है आपका। मैं आई लाइनर पहले ब्लैक आई लाइनर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे एक आउटलाइन मिल जाती है। अगर आप आईलाइनर लगाने में काफ़ी लाइक परफेक्ट हो, यू डोंट नीड टू अप्लाई अ ब्लैक आईलाइनर। बट क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर शेप लाने में, इसलिए मैंने लगाया। बाकी इफ यू आर फाइन विद अप्लाइंग आईलाइनर ऐसे ही, यू कैन डू दैट। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये। So can you see pink color आ रहा है, but ये काफ़ी light pink है। So what I'm gonna do off camera में I will apply two coats maybe, हाँ two coats। और if you have different shades of pink you can mix and match और एक darker color produce कर सकते हो। So I'm gonna do that off camera और तुरंत आती हूँ। So I'm done with both the eyes, so this is how it looks। और आज मैंने पहली बार एक मैट कलर से ये आईलाइनर लगाया। आई थिंक इट टर्न्स आउट क्वाइट नाइस। व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो हमारा आईज तो हो गया और लेट्स डू द बेस नाउ। बेस को कैसे भूल सकते हैं। ऑल्सो आई थॉट लेट्स ट्राई दैट हैक, ब्लश वाला हैक। सो आई थॉट ये भी इस वीडियो में ट्राई कर लेते हैं। सो लेट मी फर्स्ट clean this up and then we'll start with our base. Okay, so before you start doing your base, what I'm gonna do, I will take any lipstick जो थोड़ी brownish reddish tone में हो, आपको जिस कलर का blush चाहिए basically आप वो lipstick ले लो। मैं इसको अपने finger tip पर लूँगी और अपने cheeks पर लगाऊंगी। I'm gonna look like a clown for some time, so please do not laugh. Now I will take primer. I'm using wahi Swiss Beauty ka primer and foundation or concealer main baad mein lagaungi. I'm using same Fit Me foundation aur isko main acche se dab dab karke apne face pe blend kar dungi, mix karke. So what will happen when you will start blending? ये आपके skin में, ये जो आपने lipstick लगाई वो इसमें blend हो जाएगी और it will look so beautiful. I have tried this once and it looks very pretty. और अगर ना आपके ये base की वजह से ये छुप जाए, so you can apply फिर से और फिर से you can blend it, क्योंकि I think कि मैंने ना डायरेक्टली उस पर लगा दिया ना, उसकी वजह से ये छुप गया है इस साइड का। सो आई विल अप्लाई द लिपस्टिक अगेन। सो इट्स अप टू यू आपको कितना ब्लश लगाना है।
सो दिस इज अ वेरी नाइस हैक जिसके पास लाइक ब्लश नहीं है और है भी तो आई थिंक ये ज्यादा प्रिटी लगता है. आई फील मुझे कंसीलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सो वॉट आई एम गोना डू, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा इस पे लगा लूंगी एंड नाउ आई विल डू द ब्लेंडिंग. Can you see my pink cheeks? And now I will apply the lipstick. उससे पहले let me use the lip balm again. I'm using this Blue Heaven का lip balm. This is how it looks. So yeah, ये लगाऊंगी मैं थोड़ा सा. मुझे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए. सो या एंड लास्ट चीज़ बची है मस्कारा. सो या आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा. इट्स अ नाइस मस्कारा बट आई एम प्लानिंग टू स्विच टू अनदर मस्कारा. सो लेट्स सी कौन सा लेती हूँ मैं. So yeah, I'm done with my makeup, with my eye look, and yeah, this is how I look. Let me just comb my hair and come back. Ta-da! So I am ready. Let me know आप लोग को ये look कैसा लगा और please बताना कि आप लोग को ये ऐसे hacks और tricks वाले videos अगर पसंद हो. So I will make them frequently. This is how I look. I really really love this look. I'm feeling so pretty and beautiful. My cheeks, my eye look, of course. I know it's थोड़ा light है but if you wanna try this with a dark color पहले and then move on to the light shade. So with this we have come to the end of our video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Follow me on my Instagram and I'll see you guys with a brand new video on Tuesday. Until then, stay happy, stay safe and keep smiling. Bye guys.